नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कश्मीर में लगातार बिगड़ते माहौल को देखते हुए सबके मन में बस एक ही सवाल घर कर गया है कि आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है। आप और आपके परिवार में भी शायद सुबह की चाय के साथ ये चर्चा जरूर हुई होगी कि आखिर सरकार कश्मीर को लेकर क्या बड़ा फैसला लेने वाली है, आगे क्या होने वाला है। और उससे बड़ा सवाल, हम सुरक्षित तो है ना? घाटी में हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसी के साथ कई राजनेताओं को भी नजरबंद कर लिया गया है, जिससे लोगों के दिलों की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ऐसे में घाटी पर हर किसी की नजर बनी हुई है। कारगिल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कारगिल के समय भी लैंडलाइन बंद नहीं किए गए थे, लेकिन इस बार तो इन पर भी पाबंदी है। ये हालात पिछले काफी दिनों से लगातार बने हुए हैं, लेकिन रविवार रात जम्मू कश्मीर की कायापलट हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर श्रीनगर और जम्मू में धारा 144 लागू कर दी गई। इसी के साथ आम लोगों को घर से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए। लोगों के ग्रुप में एक साथ बाहर निकलने पर भी रोक लगाई गई है। पूरी घाटी में इंटरनेट पर रोक है। पहले मोबाइल सेवा को बैन किया गया, बाद में लैंडलाइन सर्विसेज पर भी रोक लगाई गई। बता दें कि सुरक्षा बलों को अब सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति को वक्त रहते संभाला जा सके। फिलहाल जम्मू में ही CRPF की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। इससे पहले कश्मीर में भी हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की पहले से तैनाती थी। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 5 अगस्त को यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा को भी अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। देर रात को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व CM उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को नजरबंद कर लिया गया। दोनों ही नेताओं ने रात को ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। दोनों ही नेता लगातार ट्वीट कर अपील कर रहे थे कि सरकार को साफ करना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। सियासी हलचल के बीच ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने देर रात को सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ी बैठक बुलाई थी। उन्होंने DGP, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मिलकर राज्य का हाल जाना था। जम्मू कश्मीर पर हलचल के बीच आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक अक्सर बुधवार को होती है, लेकिन सियासी हलचल को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा सकती है। सियासी हलकों में हलचल तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार अनुच्छेद 35 से या फिर धारा 370 पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब तक ये पता लगा है कि धारा 370 के खंड 1 को मान्य रखा जाएगा, बाकी खंडों को रद्द किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे धारा 370 पर आगे की सारी जानकारी को लेकर। नमस्कार।